पिज़्ज़ा समोसा खिला दिया है भाई, जो भाई से भी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बोला पास्ता समोसा था, बट ठीक है, इट्स ओके। अभी अभी आए ना समोसे बन के, तो भाई ये अभी अभी आए गोदाम से समोसे बन के। ये कौन सा समोसा है इस बार तो ही बताना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर फ्रेश वीडियो। एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ, मैं आपका होस्ट भरत। तो यार आज मैं आ रहा हूँ कृष्णा नगर की मार्केट में, जो कि स्ट्रीट फूड के लिए काफ़ी फेमस है। तो भाई आज मैं आ रहा हूँ समोसा हब में, जहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ के आपको समोसे खाने के समोसे मिल जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएंगी, और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी आइटम मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से समोसे अवेलेबल है। तो भाई अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगी समोसे की, और देखने में काफ़ी सारे काफ़ी डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तंदूरी पनीर लगा हुआ है, मलाई पनीर लगा हुआ है भाई, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका पास्ता पिज़्ज़ा, और फिर ऊपर है चिल्ली पनीर, प्याज पनीर, और ऊपर है तंदूरी चाप आपका, यहाँ पे आपका मंचूरियन, देन साइड में आपका चिल्ली पटेटो। तो भाई काफ़ी सारे टाइप की समोसे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यार इनको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सारे समोसे तो एक जैसे लग रहे देखने में, तो ये कैसे पहचानते हैं, एक बार जानते हैं इनसे भी। 21-15 तो यहाँ पे भी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपका मटर कचौड़ी है, और उसकी प्राइस भी दे रखी है पर केजी के हिसाब से, टिकोनी मट्ठी हो गई, सूजी मट्ठी हो गई, गोल मट्ठी करके है, सूजी मसाला मट्ठी हो गई, और काजू समोसा, नमक पारा हो गया, दाल कचौड़ी हो गई, और नीचे आपको यहाँ पे समोसे मिल जाएंगे, नॉर्मल आलू के समोसे भी मिल जाएंगे, चाउमीन समोसा भी है भाई। तो समोसे के आइटम तो बहुत सारे हैं, वैरायटी काफ़ी सारी आपको देखने के मिल जाएगी। तो भाई एक बार जानते हैं भाई से यहाँ पे जो काम करते हैं। देखो यहाँ पे यार काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक भाई है, भाई से जान लेते हैं। भाई यार यहाँ पे इतने सारे समोसे की वैरायटी आप पहचानते कैसे हो इनको, क्योंकि मेरे को तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। इतने दिन से काम कर रहे हैं नहीं, मतलब कि क्या साइज से पता चलता है या कैसे है, मतलब किस टाइप से? उसमें छेद करके रखते हैं, किसी में एक छेद है तो दो छेद है, तीन छेद, उससे पता लगा लेते हैं। अच्छा, उससे आपको पता चल जाता है आराम से? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? अभी 2-3 महीने हो गए। अच्छा, 2-3 महीने में आपको पता चल गया है। तो भाई यहाँ पे लगभग कितने टाइप के वैरायटीज मिल जाएंगी समोसे की? 30 टाइप के समोसे मिल जाएंगे। और भाई यहाँ पे साइड में भी इधर कोई कुछ शॉप ऐसी है, भैया से जान लेते हैं। भैया यहाँ पर, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। मोहित, तो मोहित भाई कितनी पुरानी ये शॉप है? भाई ये तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल पुरानी शॉप है, और जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे समोसे बहुत टाइप के, तो वैरायटी आपको समझ में आती है कौन सा समोसा ये, देख के पहचान जाते हो आप? वहाँ से जो हम गोदाम से बेचते हैं जो माल, अच्छा वो एक जगह फिक्स है, अच्छा रखा जाएगा तो उसी हिसाब से वहीं पे रखते हैं, इसलिए पहचान लेते हैं। अच्छी जगह पे कोई आइटम रखी जाएगी तो भूलेगी नहीं। ठीक है, और समोसे की प्राइस की बात करें तो कितने रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है समोसा? भाई हमारा लास्ट आलू समोसा सबसे कम 15 रुपये का है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा जो है हाई रेट में 65 रुपये का है फ्रूट समोसा। 65 रुपये वाला कौन सा समोसा है? फ्रूट में है चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ब्लू हो गया, मैंगो हो गया। तो चॉकलेट समोसा भी होता है? पहली बार सुन रहा हूँ मैं चॉकलेट समोसा, मुझे नहीं पता, आपको शायद पता होगा जो ऑडियंस देख रही है, बट यार काफ़ी सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा ट्राई करूँ मैं, तो चलो देखते हैं। और देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा है देखने में, है ना? तो समोसा को तो सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में, जितने भी लोग हैं समोसा तो खाए होगा कभी ना कभी। और यहाँ पर एक गोल मट्ठी है, और छोटे साइज के भी आपको समोसे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर साइड में। तो भाई मैं काफ़ी पतला हो गया हूँ, कौन सा समोसा ट्राई करें, लेट्स सी, देखते हैं। तो भाई समोसे की वैरायटीज़ काफ़ी सारी देखने को मिल जाएंगी आपको, और यहाँ पे इनका गोदाम है साइड में जहाँ पे समोसे प्रिपेयर करते हैं, अगर आज इजाज़त हुई तो वहाँ का भी मैं दिखाऊंगा आपको। और भाई समोसे की वैरायटी इतनी सारी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया कौन सा समोसा खाऊँ। 10-15 रुपये से नॉर्मल समोसे की स्टार्ट हो जाती है जो आप ले सकते हैं, और जो 65-70 रुपये का समोसा हाईएस्ट जाता है, इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी बताई समोसे की। चॉकलेट समोसा है इसमें से, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या खाते हैं। तो भाई समोसे जहाँ पे तैयार होते हैं वहाँ पे बनाने की परमिशन तो नहीं मिल रही, बट जो भी है मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी टाइप के समोसे आपको मिल जाएंगे, तो मैं इनमें से कोई एक चूज़ करूँगा और टेस्ट करके बताऊँगा कि भाई खाने में समोसे का टेस्ट कैसा हो रहा है। वैरायटीज़ के साथ टेस्ट भी उतना ही दमदार है, तो वो ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो चलिए खा के बताते हैं आपको, और सिलेक्ट करते हैं समोसा कौन सा खाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना मेरे चैनल को। तो चलिए फटाफट से बातें काम करते हुए समोसा डिसाइड करते हैं कौन सा खाने वाले।
तो भाई अभी आ गई है डिसाइड करने की कौन सा समोसा खाएं। यहाँ पे चिल्ली पटेटो है, चिल्ली पनीर है, प्याज पनीर है। यार जो मेरे को लग रहा है ना खाना चाहिए, हाँ आई थिंक यार पास्ता समोसा कैसे रहेगा खाना। पास्ता लेट मी ट्राई, पास्ता और तंदूरी चाप और तंदूरी पनीर। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है समझ पाना। तो इसमें से मैंने जो डिसाइड किया है, मैं खाने वाला हूँ पास्ता समोसा। तो पास्ता समोसा ट्राई करते हैं, और अगर आप होते तो आप कौन सा समोसा खाते हैं मेरे को कमेंट करके इन बताना, तो मैं पास्ता समोसा इनको ऑर्डर करता हूँ। तो भाई यहाँ पे लोगों की भी काफ़ी भीड़ आने लग गई है। अभी दिन के करीबन 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे लोग आने लग गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बिजी मार्केट है यार ये। तो भाई मैंने फाइनली डिसाइड किया है पास्ता समोसा खाने वाला हूँ मैं। तो आपने कौन सा समोसा खाया है यहाँ पे? सारे खाए हुए हैं। आपको कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? मलाई पनीर समोसा सबसे ज़्यादा पसंद है भाई को। तो भाई मैंने जो फाइनल किया है समोसा वो किया है पास्ता समोसा, तो मेरे लिए पास्ता समोसा लगा दो। तो चलिए पास्ता समोसा खाते हैं और उसके बाद से बताते हैं आपको समोसे का टेस्ट। तो भाई ये आ गया हमारा पास्ता समोसा। प्राइस कितना पड़ जाएगा? प्राइस क्या इसका? 40 रुपीज़। तो भैया ये 40 रुपये का समोसा है पास्ता समोसा। इसको खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कहता है। यहाँ पे देखो भीड़ भी काफ़ी आने लगी है, तो एक जगह ढूंढते हैं और अपना रिव्यू देता हूँ इस पास्ता समोसे के बारे में। तो भाई ये देख लो, ये आ गया हमारा पास्ता समोसा, जो साइज में सही है, काफ़ी सही है। और इसके साथ आपको मिल जाता है केचप, तो केचप है। और इसे एक बार तोड़ के दिखाता हूँ मैं कैसा है अंदर से। ये है इसकी स्टफिंग अंदर की। तो भाई भी यार यहाँ पे नया आया हुआ है, और तो उसने मेरे को पिज़्ज़ा समोसा दे दिया है। खाना था मेरे को पास्ता समोसा, मगर जो भैया ने मेरे को बताया यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पिज़्ज़ा समोसा ट्राई करो आप, पिज़्ज़ा समोसा यहाँ का बेस्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा समोसा ही है, ठीक है, पास्ता समोसा बोल दिया था भाई ने। तो भाई को भी न्यू ज्वाइनिंग हुई है 2-3 महीने हुए, तो चलो ठीक है पिज़्ज़ा समोसा आ गया जो यहाँ का काफ़ी फेमस है, जो बताया भैया ने मेरे को। तो पिज़्ज़ा समोसा इसे तोड़ दिया है मैंने, अंदर दिखा दिया आपको। तो इसे खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है खाने में। ये पिज्जा समोसा ही है भाई ने, ये पास्ता समोसा बोला था ना भाई को, मतलब भाई की भी न्यू ज्वाइनिंग है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भैया भी बोल रहे थे कि पिज्जा समोसा ट्राई करो, तो चलो पिज्जा समोसा आ गया। ये स्टफिंग मैंने आपको दिखा दी है, इसका फर्स्ट बाइट लेता हूँ मैं। तो भैया इसका फर्स्ट बाइट ट्राई करते हैं। काफ़ी क्रिस्पी है खाने में, है ना? तो समोसा काफ़ी क्रिस्पी है और गर्म भी होता है, बढ़िया बात है। और अंदर इसकी कॉर्न की स्टफिंग है, जो अंदर मेयोनीज इसमें है डाला हुआ है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। ना समोसा सबने यार आलू वाला समोसा खाया, हमें आलू वाला समोसे की आदत है, मगर ये पिज़्ज़ा समोसा भी बढ़िया है। आप ट्राई कर लेते हैं खाने में, फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, एक बार जरूर ट्राई करें कैसा लगता है आपको टेस्ट खाने में। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो खाने में गर्म समोसे ही खाए जाते हैं, तो गर्म हो रहा है समोसा तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बाकी स्टफिंग की बात करूँ तो स्टफिंग काफ़ी बढ़िया है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। कॉर्न का है तो कॉर्न तो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, वैसे भी कॉर्न है इसमें, टोमेटो डाला हुआ थोड़ा सा और मेयोनीज़ में थोड़ा, तो कुल मिला के कहा जाए तो बढ़िया समोसा है, आप जरूर ट्राई करें यहाँ पे। तो मैं फटाफट से बातें कम अभी से फटाफट से फिनिश करता हूँ। तो भाई ने हमें यार पिज़्ज़ा समोसा खिला दिया है भाई, जो भाई से भी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बोला पास्ता समोसा था, बट ठीक है इट्स ओके, पिज़्ज़ा समोसा खा लिया हमने। और ये देख लो भाई, ये अभी अभी आए ना समोसे बन के, तो भाई ये अभी अभी आए गोदाम से समोसे बन के। ये कौन सा समोसा है इस बार तो ही बताना। तंदूरी पनीर। कौन सा? तंदूरी पनीर। तो भाई ये है तंदूरी पनीर समोसा, और साइज़ देख लो भाई समोसा को, बहुत काफ़ी बड़े साइज़ के समोसे हैं, और सबके अलग अलग प्राइस मिल जाएंगे। जो मैंने खाया था पिज़्ज़ा समोसा उसका प्राइस पड़ गया मेरे को 40 रुपये। तो भाई अपने सब्सक्राइबर भी साथ साथ में बढ़ा लिए जाएं।
तो चलो भाई, भाई के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर दिया जाए, और आप जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देते तो भाई के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो भाई फाइनली पेट पूजा हो गई है और समोसा हमने खा लिया है और आपको भी दिखा दिया है काफ़ी तरह के वैरायटीज के समोसे। होप यार आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी स्वादिष्ट वीडियो में, बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।